तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे ये बताओ कि एचएससी का मार्क्स किस हिसाब से मिलने वाला है, मतलब क्या क्राइटेरिया है कि हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमें किस हिसाब से मार्क्स देने वाली है। तो दोस्तों पहले बता देता हूँ कि जो मार्क्स देने का उनका उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है बहुत अच्छा रखा है। इससे ये हो सकता है कि आपके मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, पूरे चांसेस है कि आपको अगर 50 मिलने वाला तो 60 जरूर मिलेगा। सो बिना देरी किए मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइज, इससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दे अगर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको 10th में जो भी मार्क्स मिला होगा, जितना भी मार्क्स मिला होगा, उसमें से जो तीन सब्जेक्ट होंगे, तीन सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिला होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, मान लो जैसे साइंस में आपको ज्यादा मार्क्स मिला है, मैथ में ज्यादा मार्क्स मिला है, एसएसटी में ज्यादा मार्क्स मिला है, तो तीनों मार्क्स से एवरेज निकाल के उसको कन्वर्ट किया जाएगा 30% में। मतलब दोस्तों इनका जो रेशियो है वो 30 30 40 30 30 60 प्लस 40, कितना होगा 100। ओके, तो 30 जो लिया जाएगा वो आपके 10th के जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट होंगे उसका लिया जाएगा। देन इसके बाद हम 11th पे आते हैं। 11th में जो साल भर में आपका जो पूरा एग्जाम हुआ होगा ना, जो भी एग्जाम हुआ होगा उसका एवरेज निकाल के उसको 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके दोस्तों, पहले मेरी बात ये सुन लेना, इसके अंदर कोई बेस्ट 3 सब्जेक्ट नहीं है। पूरे साल भर में जो भी एग्जाम होंगे उसका 30%। ओके, देन 30 10th का, 10th के 3 बेस्ट सब्जेक्ट, देन इसके बाद 11th के, 11th का पूरा पूरे साल भर का जो भी एग्जाम हुआ होगा उसका 30%। देन इसके बाद हमारा बचता है 40%। तो 40% जो दोस्तों आपका 12th का है, 12th का। हाँ, 11th के बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर 11th में तो हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, हमारा फाइनल एग्जाम नहीं हुआ था। तो जिसका जो भी एग्जाम हुआ होगा, अगर हाफ सेमेस्टर हुआ होगा तो उसका 30% निकाला जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अब आते हैं हम 40%, मतलब 30 30 देन 40। तो 40% जो दोस्तों लिया जाने वाला है वो आपका 12th स्टैंडर्ड का लिया जाने वाला है। 12th स्टैंडर्ड का 40% लिया जाने वाला है। तो 40% किस हिसाब से लिया जाएगा, जो भी आपका साल भर में एग्जाम होगा, प्रीलियम हुआ होगा, या तो असाइनमेंट, जो भी, मतलब जो भी स्कूल ने, जो भी कॉलेज ने जो भी करवाया होगा उसका एक एवरेज निकाल के 40%। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा 30 30 40। सो दोस्तों आप सभी खुश हो जाओ। तो अगर अगर आपको, अगर ऐसे कोई बच्चे होंगे जो प्राइवेट एग्जाम दिए होंगे या रिपीटर होंगे, अगर आपको भी चाहिए कि आपको अगर मार्क्स किस हिसाब से मिलने वाला, अंक किस हिसाब से मिलना है, ग्रेडिंग किस हिसाब से किया जाएगा, सो आप प्लीज मुझे कमेंट से बताओ, मैं आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।